नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। जनपद पंचायत माऊगंज के ग्राम पंचायत अमोखर में गौशाला निर्माण होने के बावजूद भी मवेशियों के साथ क्रूरता हो रही है। आवारा मवेशियों से परेशान यहां के ग्रामीणों ने मुरुम की खदान में मवेशियों को कैद कर दिया और ये मवेशी अब बिना चारा भूसा के कई दिनों से पड़े हुए हैं। वहीं दो दिनों से हो रही बारिश के चलते खदान में धीरे धीरे पानी भर रहा है। वहीं अगर तेज बारिश हुई तो इस खदान में पानी भरने से यहाँ कैद मवेशियों की डूबने से भी मौत हो सकती है। आवारा मवेशियों के साथ हो रहे इस क्रूरता की जानकारी मऊगंज के अधिकारियों को भी दी गई, पर यहाँ के अधिकारी जनपद CEO अनजान बने हुए हैं। वहीं जनपद पंचायत मऊगंज के अंतर्गत दो वर्ष के भीतर ही 32 गौशालाओं का भाजपा के स्थानीय विधायकों के द्वारा विधि विधान से भूमि पूजन किया गया था, पर सिर्फ सीतापुर, रकरी और भारती सेगर की गौशाला पूर्ण हुई। वहीं अमोखर की गौशाला भी बनकर तैयार है, पर इसे चालू नहीं किया गया। बताया ये भी जा रहा है कि शासन से राशि न आने के कारण कई गौशालाओं का निर्माण कार्य बंद भी हो गए, जिससे किसान भी काफी परेशान है क्योंकि आवारा पशु उनकी फसल को नष्ट कर रहे हैं, जिसके कारण मवेशियों को ग्रामीणों ने मुरुम की खदान में कैद कर दिया। वहीं अगर बारिश से खदान में पानी भर गया तो इन मवेशियों की डूबने से मौत भी हो सकती थी। इस मामले की खबर लगते ही अमोखर ग्राम पहुंचे मऊगंज SDM AP द्विवेदी व थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने मवेशियों को कैद से छुड़वाया और ग्रामीणों को भी समझाइश दी। इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी गई है, लेकिन इसका किसानों पर कितना असर होगा कुछ कहना जल्दबाजी होगी। वहीं अमोखर में गायों को मुरुम के खदान में कैद किए जाने को लेकर गौशालाओं की बदहाल व्यवस्था, गौ माता व किसानों की दुर्दशा पर मऊगंज पूर्व विधायक सुखेन्द्र सिंह बन्ना ने शिवराज सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की सोच थी कि गौशाला निर्माण कराकर गायों को सुरक्षित रखना, साथ ही किसानों की फसलों का नुकसान नहीं हो, गायों के साथ किसानों का भी भला हो, लेकिन शिवराज सरकार ने उनके अरमानों पर पानी फेरते हुए गौशालाओं को भी ठेकेदारी तक सीमित कर दिया है। गायों के साथ हुई करनी हमने भी इस चीज़ को फेसबुक में देखा है। अमोखर वाली बात कर रहे थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार बनी 15 महीने की सरकार, इन 15 महीनों में उन्होंने गौशाला के लिए विशेष रूप से यही स्थिति थी कि गाय रोड पर एक्सीडेंट हो रही थी, आदमी उससे एक्सीडेंट हो रहे थे, आवारा पशु की तरह गाय घूम रही थी और किसानों की फसलें भी नष्ट हो रही थी। इस बात को उनको विशेष चिंता हुई किसानों की भी और गाय को भी। जी, उन्होंने बड़े अच्छे स्वस्थ मानसिकता के साथ अच्छा खासा बजट दे करके हर गांव में गौशाला बनवाने का निर्णय लिया। लगभग गौशालाओं के लिए उन्होंने बजट भी दिया, गौशाला बनने भी लगी। जी, लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन भाजपा के कथनी और करनी में अंतर है। वो गायों के नाम पर सरकार बनाते हैं, गायों को बताते हैं गौ माता, और दूसरा किसानों के लिए भी बताते हैं कि किसानों के लिए हम अच्छा काम करेंगे, उनको अच्छा मुआवजा देंगे, सारी चीज़ करेंगे। लेकिन मैंने दोनों बातों पर ये देखा, तो ये जो गौशाला जो कमलनाथ जी की सोच थी उसका उस बजट का इन्होंने सिर्फ दुरुपयोग किया, चाहे आपके समझिए कि भवन निर्माण के माध्यम से हो, और चाहे आप ये समझिए कि उसका ठेकेदारी के माध्यम से सिर्फ दुरुपयोग हुआ। और उसमें जो बजट होना चाहिए पशुओं के लिए, गायों के लिए, कि उसमें अच्छे खासे से रख सके, वो बजट उन्होंने नहीं दिया। जब बजट देंगे तब तो गौशालाएं संचालित होंगी, तो इसलिए ये गौशालाएं सिर्फ नाम मात्र की रह गई हैं और न और पशु आवारा की तरह भटक रहे हैं, उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके साथ आम आदमी एक्सीडेंट हो रहा है। तो हमारा ये कहना है कि एक तरफ किसानों की फसल भी चौपट हो रही है और दूसरी तरफ गाय भी एक्सीडेंट हो रही हैं, आदमी भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो न ये गाय के सगी हैं, न किसानों के सगी हैं, न आम जन के सगी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, करनी और कथनी में इनका अंतर। और कांग्रेस की सरकार जब कमलनाथ जी की बनी तो उन्होंने इस बात को कर दिखाया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक,
एंगेजमेंट रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।